शांति, आपका प्रश्न है काम विकार क्यों है। काम तो बहुत अच्छी चीज है, सारी दुनिया इस काम के आधार पर चल रही है और तुम कहते हो काम विकार क्यों है। बिल्कुल ठीक बात है, सतयुग त्रेता में ये काम विकार नहीं होता। द्वापर कलयुग में काम विकार बन जाता है। सबसे पहले मैं काम बता दूं क्या है। काम सिर्फ पति पत्नी का संबंध नहीं, काम एक व्यापक शब्द है। काम का अर्थ है इच्छा। काम का अर्थ है इच्छा। इच्छा पतन की जड़ है, इच्छा नरक का द्वार है, इच्छा दुख का आधार है। इच्छा कभी कभी प्रसन्न चित्त नहीं होने देती, कभी संतुष्ट नहीं होने देती। आत्मा की पहली इच्छा है कि मुझे नीचे जाना है, परम धाम से नीचे आना है। पहली इच्छा, परमात्मा नहीं भेजते आत्मा को परम धाम से नीचे चली जाओ। आत्मा स्वयं समय अनुसार, ड्रामा अनुसार संकल्प करती है कि मुझे नीचे जाना है, ऑटोमेटिक। और उसका यह संकल्प उसे गिरने के लिए मजबूर करता है, पतन की तरफ जाने के लिए मजबूर करता है। परंतु आत्मा सतयुग के आदि में इतनी पावर पुल होती है कि उसके संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो बहुत मिनिमम इच्छाओं से और सर्वांत सुखाय इच्छाओं से, सर्वे भवन्तु सुखिना की इच्छा से शुरुआत होती, परंतु धीरे धीरे सर्वे भवन्तु सुखिना कम भवन्तु सुखिना में आता जाता है। अब इच्छाएं विकृत होना शुरू होती, धीरे धीरे इतनी विकृत हो जाती हैं कि द्वापर में आकर स्वयं को विस्मृत हो जाने कारण, स्वयं को विस्मृत हो जाने के कारण, देह समझने के कारण हद की इच्छाओं में आ जाए, सामर्थ्य खत्म होने लगती, संकल्प शक्ति खत्म हो चुकी होती। झूठी संसार की चीजों में वो सच्चे सुख को ढूंढने की कोशिश करता है, शांति को ढूंढने की कोशिश करता है, शक्तियों को ढूंढने की कोशिश करता है,
ज्ञान को ढूंढने की कोशिश करता है। ये इच्छाएं उसको कहां कहां नहीं भटकाती, चारों तरफ दुखी होता है। आज गुरु नानक जी को कहना पड़ा, नानक दुखिया सबसे, और दुखी होने के कारण इच्छाएं, कोई भी इच्छा पूरी नहीं उसके कारण दुख। परंतु काम विकार जो आज दुनिया में काम समझा जाता है, वो महात्मा बुद्ध के समय पर, क्रिश्चियन क्राइस्ट के समय पर, या द्वापर के आदि में जो संत आए, उन्होंने इस काम विकार को बहुत अच्छे सीमित रूप में दिया, जिसको मैं एक प्रश्नावली के रूप में, नाम कोई भी ले लो, चाहे विदेशी राइटर का नाम ले ले, चाहे इंडियन राइटर का नाम ले ले, प्रश्न पूछा गया कि हमें कितनी बार स्त्री पुरुष को मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिलना है तो जीवन में एक बार। बोले नहीं, एक बार तो, बोले जितनी संतान चाहिए उतनी बार। तो आप देखते हैं हमारे ग्रंथों को, शास्त्रों को देखते हैं कि जितनी भी व्रत त्योहार, ये मेले प्रोग्राम्स आते हैं, उन सब में लिखा है कि इस दिन वर्जित है। और हमारे भारत के अंदर साल में दिन बेशक 364 है, 65 है, त्योहार हमारे 66 होंगे, फालतू होंगे, तो कोई भी दिन नहीं बचता कि जब विकार में जाए। ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो डायरेक्शंस है, मैं वो आपको बता रहा हूं। बोले नहीं, तो कहा गया है कि सिर पर बांध लो कफन, मिलते रहो। इच्छा चाहे वो किसी भी रूप में, ये भी एक इच्छा है जिसको बहुत स्वाद समझ लिया है, अधिकार समझते कि बहुत बहुत अच्छी चीज है। मुझे एक टीचर की बात याद आती है कि तब मैं शादी हुई तो मुझे पता लगा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है पता ही नहीं, जिसको झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन। भूख समझ लिया है कि टाइम पर भूख लगती है, ऐसे ही ये है, परंतु ये नहीं मालूम कि ये मेरे शरीर के साथ साथ आत्मा के भी पतन का गहरा गड्ढा खोदती जाती, क्योंकि ये हमें सत मार्ग से कुमार्ग पर चलाते। विकार इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि निर्णय शक्ति खो बैठती है। जितने भी कोर्ट में केस हैं वो सारे इन्हीं विकारों के कारण, इस भूख के कारण।
रैलियां निकाल लेते हैं, भाषण कर देते हैं, परंतु जीवन में नहीं। जीवन वही गंदा है। आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे तुम आत्मा हो, अब आत्मा को क्या चाहिए? शांति परमधाम में मिलेगी, ज्ञान परमात्मा से मिलेगा, पवित्रता उसका रास्ता परमात्मा बताएंगे, शक्तियों का रास्ता परमात्मा बताएंगे, आनंद का रास्ता परमात्मा बताएंगे। आत्मा को परम धाम में ही सच्ची शांति मिलती है, वहाँ जाने का रास्ता परमात्मा बताएंगे, बता रहे हैं। अब इन विकारों से मुक्ति पाएंगे तो मुक्ति धाम में जाएंगे और अपने विकारों पर विजय पाएंगे। एक है मुक्ति पाना, एक है विजय पाना। विकारों पर विजय पाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। यदि आपको सतयुग में जाने की इच्छा है तो इन विकारों पर विजय पाओ। आपको केवल शांति धाम जाना है वो तो मुक्ति हो जाएगी। परमात्मा को याद करो, हिसाब तो बराबर हो ही जाएगा। ओके, फिर भी विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।